एक बात आई कि येलो वाले को जो है एकदम हटा देना है। हाँ, येलो वाले को दूसरे एक सड़ा आम। नमस्कार, जमुई मशरूम एंड बायोफ्लॉक फिश फार्म के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जमुई जिले में मशरूम के जनक माने जाने वाले श्री महेश केसरी जी हमारे पास आए हुए हैं, मोहन केसरी जी हमारे पास आए हुए हैं, और आज वो इस पूरे फार्म का मुआयना कर रहे हैं। इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम लोगों का जो प्रयास है ये कितना सार्थक है, इसमें किस प्रकार की कमी है, ये सारे दिशा निर्देशन दे रहे हैं। मेरे साथ बबलू केसरी जी हैं, ये अध्यक्ष हैं झाझा व्यापार मंडल के, और अब आगे मोहन केसरी जी अपनी बात को रखेंगे कि क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने पाया। तो मोहन केसरी जी आइए। सर, हमें बहुत खुशी हुई कि जम्मू जिले में जो हमारा प्रयास था शुरू से, आज वह सार्थक रूप ले रहा है। और जो बटन, खास करके बटन मशरूम जो है जमुई ज़िले के लिए, मतलब बहुत सोच था कि हम जमुई में भी बटन मशरूम हो, जो बाहर से जो बटन मशरूम आ रहा है और यहाँ के लोग जो उनका प्रयोग कर रहे हैं अपने खान पान में, वह चीज़ जो है धीरे धीरे हमें लग रहा है कि जमुई भी मतलब आने वाले समय में एक बहुत अच्छा मतलब ये मार्गदर्शन दिखाएगा लोगों के बीच में, किसानों के बीच में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले कहा जाता था कि किसान ही इसको खेती कर रहे हैं, मतलब किसान ही लोग इसको अपना रहे हैं, लेकिन अब देख लीजिए आज जो है शहर में जो है ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ बड़ी परिवर्तन है इसमें, ये किसान से भी मतलब कि जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं इसे भी अपना रहे हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ है कि इससे लोगों के बीच एक संदेश भी जाएगा कि देखिए, जब इतने पढ़े लिखे लोग जब इसको अपना रहे हैं, तो एक आम आदमी जो किसान वर्ग के लोग हैं जिनका काम ही है किसानी करना, खेती करना, जिन पर वो आत्मनिर्भर हैं, तो इसको अपना कर वो भी मतलब आत्मनिर्भर बन सकते हैं और इसमें जो है इनका भी मदद कर सकते हैं। और एक दूसरे से हम लोग जुड़ कर और एक दूसरे से हम लोग चैन की तरह काम करेंगे ताकि किसान भी इनसे लाभ हो और इनसे भी किसान लाभान्वित हो, दोनों मतलब कि एक दूसरे का पूरक बने। हाँ, पूरक बनेंगे तो क्या होगा कि यही चीज़ जो है बहुत आगे मतलब हम लोग जा सकते हैं। बस हमें बहुत खुशी है सर कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद जी।